जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi 10 प्राइम स्मार्टफोन को Infinix की तरफ से लॉन्च किए गए Infinix Hot 11s के साथ में। Redmi 10 Prime एंड Infinix Hot 11s दोनों ही स्मार्टफोन सितंबर 2021 में लॉन्च हुए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं लगभग आसपास के हैं भाई, एंड प्राइस पॉइंट भी जो है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही जो फोन है वो सेम चिपसेट के साथ में इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, जो कि पहली बार इंडिया में देखने के लिए मिला है। सो यस, लिटिल कंफ्यूजन होना बनता है भाई कि Redmi 10 Prime परचेस किया जाए या Infinix Hot 11s की तरफ देखा जाए। तो आज की वीडियो में करते हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई कंपैरिजन को, और सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। Redmi 10 Prime की अगर बात करें तो प्लास्टिक का बिल्ड यहाँ पर आपको मिलता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। वेटेज एंड थिकनेस की अगर बात करें तो 9.56 mm की थिकनेस है। थोड़ा सा मोटा फोन है भाई, हाथ में लेने में बल्की लगता है, एंड 192 ग्राम्स के आसपास इस फोन का वेट है। सो यस, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा वेट भी हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक है, वेट बैलेंस भी इस फोन का ठीक ठाक है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिलती है। Infinix Hot 11s की बात करें तो वहां पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन वहां पर दिया गया है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी वहां पर भी आपको लगभग वैसी मिलती है, लेकिन वहां पर आपको 8.8 mm की थिकनेस मिलती है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लिम है, लेकिन 205 ग्राम्स का वेट है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और हेवी है, 10 ग्राम ज्यादा वेट है उस वाले स्मार्टफोन का। सो यस, बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। अगर आपको स्लिम स्मार्टफोन लेना है, जो स्लिम स्मार्टफोन रहता है वो जेब वेब में रखने में थोड़ा सा ईजी रहता है भाई, तो आप Infinix Hot 11s की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको मोटे फोन से काम चल जाता है लेकिन लाइट वेट फोन आपको लेना है तो Redmi 10 Prime की तरफ आप देख सकते हैं। डिजाइन की अगर बात करें तो हर वीडियो में मैं बोलता हूं भाई कि डिजाइन अपना अपना टेस्ट होता है। जिन लोगों को सोबर कलर्स पसंद है वो लोग जा सकते हैं Redmi 10 Prime की तरफ, ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन मिलता है, सोबर फिनिश के साथ में आता है। जिन लोगों को थोड़े से कलरफुल फोन्स पसंद है, जिनको फंकी कलर्स पसंद है, वो लोग Hot 11s की तरफ जा सकते हैं। ग्रीन कलर में, पर्पल कलर में, ब्लैक कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन मिलता है। सो यस, डिजाइन अपना अपना टेस्ट रहता है। मेरे हिसाब से, मैं कुछ चूंकि थोड़े से सोबर डिजाइन पसंद आते हैं, तो मेरे को Redmi 10 Prime का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। डिस्प्ले की अगर बात करें, Redmi 10 Prime में आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। IPS LCD पैनल दिया गया है, सेंटर पंचोल यहां पर आपको मिलता है, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, थोड़े से फेडेड कलर्स हैं, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी आपको मिलती है, स्मूथ डिस्प्ले है, ज्यादा लैग्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी दी गई है। इसकी बजाय अगर Hot 11s की बात करें तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट ऐसे ही वहां पर आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा साइज बड़ा है, 6.78 इंचेस का वहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वहां पर भी आपको मिलता है, सेंटर पंचोल मिलता है, IPS LCD पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वहां पर भी है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको वहां पर भी देखने के लिए मिलता है। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी दोनों फोन की ऑलमोस्ट एक जैसी है। अब अगर आपको बड़ा फोन लेना है, बड़ा डिस्प्ले आपको पसंद है, तो Infinix Hot 11s परचेस कर लो। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पसंद है तो Redmi 10 Prime ले लो। Redmi 10 Prime के साथ में आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिलती है, Hot 11s के साथ में आपको 500 nits की ब्राइटनेस मिलती है, तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले में थोड़ा सा बेटर है Infinix Hot 11s। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों फोन के साथ में आपको सेम चिपसेट मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G88 वाला। G88 वाला जो चिपसेट है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट Redmi 10 Prime में मैंने टेस्ट कर लिया है, ज्यादा हीटिंग का इशू इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला। अगर आप लोग इस वीडियो पे दबा के लाइक मारेंगे, दबा के शेयर मारेंगे, तो Infinix Hot 11s को भी मैं परचेस करने की कोशिश करूंगा, और उसको भी, उसका भी रियल एग्जांपल आपको दूंगा, रियल टेस्ट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में वो फोन कैसा है। लेकिन हीटिंग वगैरह का इशू आपको काफी कम मिलता है। 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, 2 A75 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं, तो CPU परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G52 MC2 GPU मिलता है,
जो कि 1000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है। बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, LPDDR4X रैम मिलती है, साथ ही में eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन एक जैसे रहने वाले हैं, डिपेंड करता है UI के ऊपर भाई। अब XOS 7.6 और MIUI 12.5 लगभग एक जैसे है भाई, बग्स के मामले में, एड्स के मामले में MIUI 12.5 थोड़ा सा बेटर आप बोल सकते हो, तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर रहती है, तो परफॉर्मेंस में स्लाइटली आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर लेना है तो मैं बोलूंगा फिर Redmi 10 Prime परचेस कर लो। आगे चलते भाई, कंपेयर करते हैं कैमरास को। Redmi 10 Prime के अंदर पीछे की तरफ आपको चार कैमरास का सेटअप दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, उसी के साथ में आपको 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। कैमरा सेटअप मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डिसेंट मिलता है, कैमरा आउटपुट भी मेरे को इसके डिसेंट लगे। Infinix Hot 11S की अगर बात करें तो वहां पर बैक में आपको 3 कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन साथ में आपको 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर या मैक्रो कैमरा मिलता है। एंड एक VGA कैमरा दिया गया है AI सेंसर के साथ में। सो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड फ्रंट में वहां पर भी आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो Redmi 10 Prime के अंदर आपको बेटर कैमरा सेटअप मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है एंड ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर यहां पर लगता है। सो यस, कैमरा के मामले में Redmi 10 Prime बेटर है। बैटरी की अगर बात करें, Redmi 10 Prime के साथ में आपको 6000 mAh का बैटरा दिया गया है, जिसको चार्ज करने के लिए 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 18 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल Redmi 10 Prime का काफी अच्छा है। वहीं पर बात करें Infinix Hot 11S की, तो वहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, वहां पर भी आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। सो ऑब्वियसली बैटरी का साइज आपको ज्यादा मिल रहा है Redmi 10 Prime के साथ में, तो बैटरी मॉड्यूल के मामले में Redmi 10 Prime जो है वो थोड़ा सा बेटर फोन है। इसके बाद में चार्ज करने के लिए दोनों फोन के साथ में आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, दोनों ही फोन के साथ में आपको 3.5mm जैक मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो Redmi 10 Prime के साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, लेकिन Infinix Hot 11S के साथ में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको दोनों फोन्स के साथ में मिल जाता है, छोटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिलते हैं, सेंसर में कोई कमी नहीं है, दोनों फोन्स में आपको भर भर के सेंसर्स दिए गए हैं। उसी के साथ में अगर बात करें तो दोनों ही फोन के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। यस, इस प्राइस पॉइंट पर दोनों ही फोन आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देते हैं, ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा अगर बात करें OS की, तो दोनों फोन आपको मिलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर। Redmi 10 Prime में आपको MIUI 12.5 मिलता है, वहीं पर आपको Infinix Hot 11S के अंदर मिलता है XOS 7.6। OS के मामले में एक्सपीरियंस आपका दोनों फोन के साथ में डिसेंट रहने वाला है। इसी के साथ में एक कमी मैंने नोटिस करी भाई, Infinix Hot 11S के साथ में आपको FM रेडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि आपको Redmi 10 Prime के साथ में मिलता है। तो एक कमी मेरे को लगी Infinix Hot 11S के अंदर। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो 4GB + 64GB वाला वेरियंट Redmi 10 Prime का आपको मिलता है 12,499 रुपए में, वहीं पर Infinix Hot 11S मिलता है आपको 10,999 रुपए में, तो 1,500 का प्राइस गैप है। अब Redmi 10 Prime किसको लेना चाहिए, जिनको सोबर लुक्स चाहिए वो Redmi 10 Prime परचेस कर लो, जिनको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले चाहिए वो Redmi 10 Prime परचेस कर लो, कैमरा ओरिएंटेड बैटरी ओरिएंटेड फोन अगर लेना है तो Redmi 10 Prime आप परचेस कर सकते हो। वहीं पर बात करें Infinix Hot 11S किसको लेना चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव फोन आपको लेना है, बजट आपका ज्यादा नहीं है तो Infinix Hot 11S परचेस कर लो, आपको भाई परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। उसके साथ में फंकी कलर्स अगर आपको पसंद है, कलरफुल रंगीले फोन आपको पसंद है, तो आप Infinix Hot 11S की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ और क्या बच गया, हाँ, बड़ा डिस्प्ले अगर आपको लेना है, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले, गेमिंग आपको करनी है अच्छे से, तो भी आप Infinix Hot 11S की तरफ देख सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों स्मार्टफोन में से आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।